बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टी भोज के आयोजन में लगे हैं और इसी कड़ी में शनिवार को जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन हुआ तो रविवार को उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के घर भोज का आयोजन किया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार को 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है, यानी कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उसके पहले बिहार के लगभग तमाम दल अपने विधायकों का टेस्ट ले रहे हैं। चाहे जेडीयू में आप देखिए, जेडीयू में श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके आवास पर एक भोज का आयोजन हुआ है जहां तमाम विधायकों को बुलाया गया है, जेडीयू के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। सामने देखिए संजय सिंह पहुंचे हैं, लेसी सिंह हैं, जमा खां हैं, तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सबको यहां पे बुलाया गया है। लेकिन ना सिर्फ जेडीयू और जेडीयू में को ये सिर्फ आज का भोज नहीं है, आज श्रवण कुमार के यहाँ भोज है, कल विजय चौधरी के यहाँ भोज है, विधायक दल की बैठक भी होनी है। तमाम विधायकों को जेडीयू ने पटना बुलाया है, भोज के बहाने विधायकों को काउंट किया जा रहा है। कांग्रेस अपने सभी विधायकों को लेकर हैदराबाद में जमा है, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों को लेकर बोधगया में प्रशिक्षण दे रही है, दूसरे तरफ आरजेडी भी एक जत्थे को लेकर के हर रोज विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन आज भी 3 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनके 5 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले डर सबको है, अपने विधायकों को सहेजने की जुगत सभी लगा रहे हैं, क्योंकि 6 से 8 विधायकों का खेल है और तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि खेल होगा, खेल अभी बाकी है। लिहाजा चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको ये डर सता रहा है कि उनके विधायक एकजुट हैं कि नहीं हैं। और आज जेडीयू खेमे में देखें तो भोज की सियासत हो रही है। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे, लेकिन बहुत कम संख्या में विधायकों के आने से सीएम कुछ नाराज हो गए, लिहाजा बमुश्किल 5 मिनट ठहर कर नीतीश कुमार वहां से निकल गए। बताया जा रहा है कि शालिनी मिश्रा, विमा भारती, सुदर्शन, संजीव कुमार, गोपाल मंडल, गुंजेश्वर शाह, अशोक कुमार चौधरी समेत 10 विधायक जेडीयू के भोज में नहीं पहुँचे। की राजनीति क्यों हो रही है? ये भोज राजनीति नहीं होती है, हमारे पार्टी में हमेशा हम लोग बैठ कर खाते हैं, रहते हैं, बातचीत करते हैं। इसका पहले कब खाए थे? कई बार खाए। आज यहाँ भोज हो रहा है, कल विजय चौधरी जी के यहाँ है, क्यों ये आपको शंका है कि आपके विधायक टूट सकते हैं? कोई शंका नहीं है, हम लोग एक मुस्त हैं, पूरा एमएलए एक है, चूंकि बिहार का विकास में नेता ने दिखाया है। 6 से 7 आपके विधायक गायब हैं भाईजान, एक भी नहीं। आप देख लीजिएगा जो लोग बोला, हवा में बोल रहा है, इन्होंने सबको उन्होंने टच किया, ऐसी बातें हैं, लेकिन कोई हिला नहीं है। सब लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। संपर्क लोग कर रहे हैं, किया होगा लोग, जैसे हवा जो चल रही है आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है, सब लोग साथ। ये कहा जा रहा है कि आप वहां बहुमत साबित करेंगे या डिजॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से क्या? अब तो नेता निर्णय लेंगे ना, हम लोग तो आप जानते हैं कि सब लोग जितना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, जो बहुमत दिखाना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, 128 से ज्यादा है, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं है, 128 से भी ज्यादा है। अब आपको सामने आ जाएगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घटक दल के विधायक महादेव की पूजा बाबा धाम में नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना चले गए हजारों किलोमीटर दूर, और कसम खिलाया जा रहा है मंदिर में कि कहो कि हम वोट देंगे महागठबंधन को, इसका मतलब क्या है? खेला तो हो गया, अब तो मेला लगना है हमारे पक्ष में और एनडीए के पक्ष में। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार विश्वास मत शानदार और जानदार तरीके से हासिल करें। आपके मेला में कितने विधायक आ रहे हैं विपक्ष के? 128 से 128 से ज्यादा विधायक कितने आ रहे हैं मेला में? 128 से 128। देखिए आगे आगे होता है क्या? भाई जब महागठबंधन का घटक दल ना कांग्रेस है, जब क्रिया खिलाया जा रहा है जाके तेलंगाना में, तो समझ रहे हैं ना ये खतरा कितना बड़ा है महागठबंधन को। हम लोग परमानेंट नीतीश कुमार हैं, हम लोगों को कोई नहीं करता है। सूबे में 12 फरवरी को नीतीश कुमार की नई सरकार का बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले सभी दल अपने विधायकों का टेस्ट ले रहे हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर हैदराबाद में है तो बीजेपी अपने विधायकों के साथ बोधगया में है। शनिवार को आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक रखी तो शनिवार को ही जेडीयू भी भोज के बहाने अपने विधायकों की गिनती की कोशिश करती दिखी।
अब फ्लोर टेस्ट के दिन इन सभी बातों का नतीजा क्या निकलता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पटना से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।